सबसे पहला टास्क हमने क्या बोला अभी बेटा, पहला काम क्या है हमारा, स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहली प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई, एस्टीमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोलते हैं, हमें एक कौन सा हॉरिजेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा हमारा सामान। नंबर टू, हमें वर्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या मैं इस हॉरिजेंटल को लेवल बोल सकता हूं? हाँ जी, लेवल वाइज। और यहां पर इसको डिपार्टमेंट बोल सकता हूं। क्या था उसको राइट रोड बनानी थी कहीं ले जाने के लिए, बीच में तीसरा काम, हर डिपार्टमेंट का बंदा ये बताएगा कि उसको अपने डिपार्टमेंट में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जितने लोग चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री क्या आ गया मेरा, क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या मांगेंगे, सीए एमकॉम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या मांगेंगे, आईआईटी, जिन्होंने आईआईटी पास किया हुआ, आईटीआई पास किया हुआ है ना, इंजीनियर होते हैं ना वही तो। हाँ जी, क्या बताएंगे सारे डिपार्टमेंट वाले, कितने लोग चाहिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और किस क्वालिफिकेशन के चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, किस स्किल के होने चाहिए, स्किल का मतलब स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड। एक स्कूल में टीचर की जरूरत पड़ी, बीएड भी आए नॉन बीएड भी आए, स्कूल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड, क्या है बीएड। तो जो बीएड नहीं है वो क्या है, अनस्किल्ड। हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन के बाद ये लोग क्या बताएंगे कि हमें कितने स्किल्ड लोग चाहिए और कितने अनस्किल्ड चाहिए। पॉइंट नंबर फाइव, जो हमें चाहिए वो कितने एक्सपीरियंस्ड चाहिए, क्या चाहिए एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने अभी यहां पर लेवल डाला, ये बताओ जो अपर लेवल है, अब यहां टॉप मिडिल नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी इस डिपार्टमेंट का अपर लेवल है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए या कम, ज्यादा। इसका मतलब वर्कर्स एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस अपर लेवल में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, स्किल ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जैसे झाड़ू पोंछे के लिए स्किल की होती है, वो तो अनस्किल आदमी भी झाड़ू पोंछा लगा देगा, राइट। कितने पॉइंट हो गए बेटा, फाइव। पॉइंट नंबर सिक्स, जब आप ये सारे एस्टिमेशन दोगे तो आपको एक और जरूरी बात का ध्यान देना है, क्या कोटा। हाँ भाई, ये क्या होता है कोटा, कोटा का मतलब, तो यहां पर ये कहा गया कि आपको तीन लोगों के लिए कोटा फिक्स करना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR कहता है कि आपको कोटा डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने डिपार्टमेंट में ये तीनों के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट जो कोटा देती है वो आप अप्लाई करोगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल टाटा की बात करूं मैं, आईटीसी की बात करूं, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया हुआ है कि जो कि पढ़ने वाले, तो ये कोटा कंपनी अप्लाई कर रही है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसे बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या। पहला पॉइंट, पहले कोटा में हम बोल रहे हैं कितनी वीमेंस की जरूरत पड़ रही है आपको। अभी तो एक गवर्नमेंट का एक वो है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भाई हर डिपार्टमेंट में कुछ वीमेंस होनी चाहिए, इवन देखो ना पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी वीमेंस होने लगी है। तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आपने सेट किया हुआ है तो कितनी वीमेंस होनी चाहिए, इसको आप सेट करके दोगे। पॉइंट नंबर टू, यानी क्या कहते हैं उसको, बैकवर्ड क्लासेस होती है ना, है ना, बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस का मतलब, यानी क्लासेस नहीं, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब लाइक OBC SC ST यानी वट एवर जो भी। अगर आप गवर्नमेंट के इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप बताओ आपको किस पोस्ट के लिए कितने SC ST कितने OBC चाहिए। एंड थर्ड वन, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आपके यहां पर रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इतने आपको रखने पड़ेंगे,
तो ये भी आपको पहले ही बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट को। कितनी चीज बताई गई, तीन चीजें रखी गई कोटा में, ये तीनों आपको बतानी पड़ेगी। कितने पॉइंट हो चुके हैं अभी तक, 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, अभी तक ये बात कर रहे हैं हमें कौन सा आदमी चाहिए, किस कैलेबर का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए। ठीक है अजी, ये बताओ इस तरह से क्या हुआ, मैंने अभी क्या बोला, अगर ये मेरी नई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो शायद वो इतने ही चाहिए। अबे कितने पॉइंट चाहिए, 6 पॉइंट चाहिए। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं न्यू है, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बारे में कि मेरे पास लोग ज्यादा है या कम, या ज्यादा पढ़ेंगे या कम पढ़ेंगे। कब पता चलता है ये, जब हम काम शुरू करते हैं तब मालूम चलता है कि हमारे पास ओवर स्टाफ्ड है या अंडर स्टाफ्ड। इसका मतलब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सभी डिपार्टमेंटों से जब पूछ रहे थे, उन्होंने अपने अपने क्या लगा के दिए, एस्टीमेशन। तो क्या एस्टीमेशन दिए, आओ देखते हैं भैया। तो इन सभी ने, वाह कौन सा थक गया भैया, वहां मैं रहा हूं कोई और, यही है ये वाला, हिंदी हिंदी वही निकाल रहे हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बताया एचआर डिपार्टमेंट को कि देख भाई क्या देखना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पहले खुद देखा, मुझे क्या देखा, मुझे मुझे क्या देखा, गुड, ये देखा, एक तो वर्क फोर्स हमारे पास कितना है और वर्क लोड हमारे पास कितना है। हर डिपार्टमेंट वर्क फोर्स वर्क लोड वर्क फोर्स वर्क लोड वर्क फोर्स वर्क लोड हर डिपार्टमेंट इसकी एनालिसिस करेगा। हा भाई, हर डिपार्टमेंट इसकी एनालिसिस करेगा तब, जब वो एस्टीमेशन लगा के दे रहा था। अगर कंपनी रनिंग में चल रही है तो ऐसे में एचआर ने बोला, हा भाई बोलो कितने लोगों की और जरूरत है, तो ऐसे कैसे बोल देगा कितने लोगों की जरूरत है, तो कैसे बोलेगा, टेक्निकल टर्म में बोलेगा। तो टेक्निकल टर्म क्या है, वर्क फोर्स एंड वर्क लोड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम यह है कि वर्क फोर्स है 10, लेकिन जो लोड है 12 लोगों का काम कर रहे हैं ये लोग, 10 लोग। इसका मतलब वर्क लोड इज ग्रेटर देन वर्क फोर्स। दूसरा डिपार्टमेंट पर्चेस डिपार्टमेंट, यहां पर 2 लोगों की जरूरत थी, 2 ही लोग हैं। इसका मतलब वर्क फोर्स बराबर वर्क लोड, इट मींस पर्चेस डिपार्टमेंट को और स्टाफ नहीं चाहिए। थर्ड वन फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसको 3 लोगों की जरूरत थी, मतलब कितने लोग काम कर रहे थे, वर्क फोर्स कितनी काम कर रही थी, 3। वर्क लोड 3 का ही था, यानी प्रॉपर काम चल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई मेरे पास वर्कफोर्स आपने दी हुई है 12 लोगों की, जबकि लोड है नहीं इतना, हम तो कितने 11 लोगों का काम है, 12 लोग जबरदस्ती आपने एक आदमी हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये बताओ, जब मैंने वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मालूम चला इस डिपार्टमेंट के पास 2 इंप्लॉई एक्स्ट्रा है या कम है। अभी क्या है, कम, तो इसे क्या बोलेंगे, ओवर स्टाफ या अंडर स्टाफ। स्टाफिंग चल रही है ना, तो टेक्निकल नेम क्या है इसका, क्या बोल रहे हैं, ओवर स्टाफ या फिर, तो यहां पर अभी क्या मिला भाई, अंडर स्टाफ। यहां पर प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर स्टाफ, यहां पर ओवर स्टाफ। अब भाई ये बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना अंडर स्टाफ मिला था और सेल्स डिपार्टमेंट को कितना ओवर स्टाफ मिला था। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एस्टीमेशन, सभी लोगों ने ये एस्टीमेशन किसको दिया, एचआर डिपार्टमेंट को। तो लास्ट मेरे पास आता है पॉइंट नंबर 7, जो क्या कहता है, जो कहता है कि मुझे अब क्या लगाना है, एसटी। पॉइंट नंबर 7 जो क्या बोल रहा है, वर्क फोर्स एंड वर्क लोड एनालिसिस, जहां पर वर्क फोर्स या तो ज्यादा होगी या फिर वर्क फोर्स कम होगी। अगर वर्क फोर्स
हाँ भाई, अगर वर्कफोर्स ज्यादा है और लोड कम तो क्या बोलेंगे इसको? ओवरस्टाफ्ड। और अगर दूसरी कंडीशन है तो अंडर स्टाफ। हाँ भाई, पॉइंट समझ में आया? ये क्या था? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड। क्लियर है भाई? भाई जी क्लियर है, बहुत अच्छी। बड़े दोनों ऐसे नोट निकल आ रहे, ऐसे बत्तरी भी निकल रहे। अब एक काम करना है आप लोगों को, इसको ऐसे यहां फॉलो करना है। पहला पॉइंट बनाओ, क्योंकि तो अभी ध्यान देना फॉलो कैसे करना है। अभी ना मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, मैं इस तरह से पूरी स्टोरी चलाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग ऐसे स्टोरी चलाएं और यहां पर इसको बनाए, जो मैंने यहां पर लिखे कितने पॉइंट, 7 पॉइंट। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास होने जरूर चाहिए। यार ये पेन तुम्हारे बुक में चलेगा नहीं, ये मेरी नोटबुक का है, ये पेंसिल पड़ी है, मैं तुम्हें दे सकता हूं। है तुम्हारे लिए तो कुछ सॉरी वो जुगाड़, ये तुम्हारे काम आएगा नहीं। देखो ऐसा है, अड़ोसी पड़ोसी तो ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इज दिस, तुम्हें शुगर हो रखी है क्या? है क्या तुम्हें नहीं पता? सुनो, जब शुगर एक लेवल से ऊपर चली जाती है ना, तो इंसुलिन लेनी पड़ती है, पता है? पता नहीं पता? तो ऐसे ही कुछ स्टेज ऐसी होती है जहां पर मीठा ना खा के, मतलब आदमी को डायबिटीज भी कौन सा केस पता नहीं कौन सा होता है, होता है। तो कई ऐसी बीमारियां होती है जहां पर मीठा खाए बिना सांस चढ़ रही होती है, ऐसी दिक्कत आती है। तो हो सकता है ऐसी बीमारी उसे भी हो, खाने दो, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, हमारे बच्चे के स्कूल में 12th 11th क्लास के बच्चे, वो आजकल आता है ना कौन सा फिजिट स्पिनर, क्या कहते हैं, फिजिट का मतलब क्या, मैं बताऊं? अच्छा हमारे पास भी है, सुनो सुनो। तो क्या हुआ, उसने बताया कि ना हमारे स्कूल में बहुत बच्चे 11th क्लास में फिजिट स्पिनर लेके आते हैं, और पेरेंट्स ने एप्लीकेशन देकर डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर उनको अलाउ किया है। क्यों पता है? क्योंकि वो बच्चे, सुनो सुनो, वो ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो NRI के बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो जो शायद वो अपने हाथ पर खुद ही काट लेते हैं, मैं खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए ये है फिजिट स्पिनर, दुआ करो, है ना। तो ऐसे ही है भैया, कल लिखा के लेकर आओगे कि तुम्हें वो बीमारी है जिसमें चॉकलेट खाई जाती है। ये मैंने हॉलीवुड मूवी देखी थी, इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रही थी मेरे, मैं ये समझ में आ रहा था इसलिए कि जाके क्या पता सीखे, ऐसी सीखने को मिलेगी। तो वहां पर क्या हुआ कि जो क्या नाम है, जो एक बच्ची थी, और मतलब उनको घर में किडनैप कर लिया होता है, और बेचारी के पास मतलब उसकी सास चढ़ती है, तो उसकी मम्मी उसको चॉकलेट लाके कहीं से खिलाती है, तब जाके वो बेचारी बचती है। पता नहीं कौन सी बीमारी होती है, ये अच्छी थी बीमारी, मीठा खाने को मिलता है। अब भाई हो गया बेटा, पहला पॉइंट था हॉरिजेंटल एनालिसिस यानी लेवल देखना, दूसरा वर्टिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट देखना, तीसरा क्वालिफिकेशन देखना, स्किल देखना, एक्सपीरियंस देखना, फिर कोटास देखना, तीन तरह के कोटास देखना, और लास्ट में ओवर स्टाफ या अंडर स्टाफ चेक करना। ये सब चेक कर करा के हम क्या करेंगे, हम बताएंगे किसको, अपने बिग बॉस को। क्या बेटा,
पूजा भी हो गया, आगे बढ़े। तो हम कहां थे? हम अपनी स्टाफिंग की प्रोसेस पे थे, और स्टाफिंग की हमारी प्रोसेस का पहला पॉइंट कौन सा? एस्टीमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया। और इस पॉइंट के साथ कंपनी ने एनालिसिस किया क्या कि उसको सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है। कितने लोगों की? 100 लोगों की। इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा प्रोसेस का सेकंड, जिसे कहते हैं, रुक जाओ बदतमीजी नहीं, अब क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सर्चिंग। क्या बोलते हैं? 100 लोग चाहिए। अब मुझे इनकी क्या करनी है? सर्चिंग करनी है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं क्या? रिक्रूटमेंट। क्या करना है मुझे इनका? रिक्रूटमेंट, सर्चिंग। याद करो, इससे पहले हमने क्या किसी चैप्टर में सर्चिंग की बात की थी? अरे कौन सा चैप्टर? हाँ सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, कौन सा? लेकिन कौन सा था? बिजनेस एनवायरमेंट। क्या की थी उसमें हमने? स्कैनिंग बोले तो सर्चिंग बोल सकता हूं मैं? हाँ भाई, तो सर्चिंग हो रही है। हाँ भाई, सर्चिंग हो रही है। अच्छा सर्चिंग जो हो रही थी हमारी, ये बताओ वहां पर तो ये माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पर हो रही थी, लेकिन अब मेरी कंपनी का मैटर है या दुनिया का मैटर है? इसका मतलब मैं माइक्रो सर्चिंग करूं या मैक्रो? अगर माइक्रो सर्चिंग करनी है तो माइक्रो कितने पार्ट में बांटी गई थी? याद है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मुझे सर्चिंग करनी है रिक्रूटमेंट के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने भी सर्चिंग यहां पर दो पार्ट से बांट दी, इंटरनल सर्चिंग और एक्सटर्नल सर्चिंग। इंटरनल सर्चिंग एंड एक्सटर्नल सर्चिंग, यानी इंटरनल सर्चिंग क्या क्या रही है, पहले मैं ये देखूं कि मेरी अपनी कंपनी में कौन देखेगा, अब ये HR डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि कहां पर ओवरस्टाफ्ड है, कहां पर अंडरस्टाफ्ड है, कौन देखेगा? ये HR डिपार्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट। पहले हम ये चेक करें कि क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट पॉसिबल है, अगर हाँ तो हम इंटरनल पहले कर लेते हैं, एक्सटर्नल बाद में देखेंगे। अच्छा प्रैक्टिकली ये 100 लोग अगर चाहिए तो ये प्रैक्टिकली इंटरनली तो नहीं हो सकता, 100 तो नहीं, एक दो होते तो हो जाता। याद करो ऊपर वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कितने थे? अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 2 लोग क्या थे? कम थे, और उसके पास 1 ज्यादा था। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ध्यान देना, हम पहले पढ़कर आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, कि वो बंदा जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, उसका डिपार्टमेंट बदली करोगे तो भाग जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, तो उसको भगाना तो नहीं है, तो उससे पूछता है कि भाई क्या तू पसंद करेगा कि तू सेल्स में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, मैं तो ये निकाल दू, निकाल सकता हूं, लेकिन मॉरल एथिक्स कहते हैं कि नहीं, और किताबों में बहुत लिख दिया है कि नहीं नहीं निकालना, नहीं निकालना, तो तू निकाल तो नहीं रहा हूं, काम कर तू दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए, वहां जरूरत पड़ रही है। क्या ये जरूरी है कि सेल्स डिपार्टमेंट जितने भी इंप्लॉइज है सारे के सारे प्रोडक्टिव हो, यानी सब लोग अच्छी सेल करते हो? नहीं, जो वहां पर काम नहीं कर पा रहा है उसको उठा के कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? अब क्या किया है? इसे क्या ट्रांसफर बोलेंगे? फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ये भी हो सकता है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे। अबे फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ना, विद इन द सेम लेवल, क्योंकि अबे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनल, जिसकी हम बात कर रहे हैं इंटरनल, अगेन इसको हमने फिर बांटा 2 पार्ट्स, इंटरनल सर्चिंग जो हो रही थी, इंटरनल रिक्रूटमेंट जो हो रहा था, ये 2 तरह से होता है, एक तो हमारे होते हैं यहां पर ट्रांसफर्स, दूसरे होते हैं हमारे क्या? प्रमोशंस। पहला क्या? ट्रांसफर, और दूसरे क्या होते हैं हमारे? प्रमोशन। याद करो अभी अभी मैंने बोला ट्रांसफर कैसे होने, विद इन द सेम लेवल, तो ये वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसफर कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टली होते हैं। कैसे होते हैं? जबकि जो प्रमोशन होते हैं
वर्टिकली। अब भाई मुझे बस एक बात बताओ, मुझे बस एक बात बताओ, जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर, उस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वही रह गई। जब मैं डिपार्टमेंट पे आया तो यहां पर उसको फिर से क्या मिली? अथॉरिटी। सेम लेवल पर है ना, अगर डिसेंट्रलाइजेशन था तो पूरे लेवल पे था, इसका मतलब सेम अथॉरिटी। वो वाली नहीं, उस काम की नहीं, सेल्स वाली काम की नहीं, किसकी? प्रोडक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों उसको दी जाएंगी या नहीं? सेम दी जाएंगी या ज्यादा दी जाएंगी? सेम हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, सेम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यहां पर मिलनी है एज पर इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट। लेकिन अगर उसका प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन का मतलब हमने क्या बोला, वर्टिकल, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे गए, तो क्या सैलरी बढ़ेगी? हाँ। क्या चलो स्टेटस बढ़ेगा? हाँ। इसके तुमने मुझे बुला दिया, मैं क्या पॉइंट बोलने वाला था? हाँ जी, कौन सा पॉइंट यहां से कवर करेंगे हम? हाँ, अथॉरिटी। क्या उसको सेम अथॉरिटी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ सेम मिलेगा? जी नहीं। अब उसको हायर अथॉरिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? हमने बोला जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ भाई, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी इसकी? सेम। अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसकी? हायर, ज्यादा दे दी जाएगी उसको अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। क्यों? क्योंकि उसको अब बड़ी पोस्ट दी गई। हाँ भाई, जैसे मैंने बोला पे इसको लेकर, पेमेंट को लेकर, क्या उसकी पे यानी सैलरी बढ़ेगी? जरूरी नहीं, लेकिन क्या यहां उसकी पे बढ़ेगी? गारंटीड। प्रमोशन हुआ है भाई, मेरा थोड़ी हो रहा, प्रमोशन हुआ है तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जैसा कि हमारे भाई ने बोला, क्या बोला? स्टेटस। यहां पर उसका स्टेटस क्या हुआ था? सेम। यहां पर उसका स्टेटस बढ़ेगा। हमने क्या बोला? हाँ भाई, इंटरनल जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या, या तो ट्रांसफर करते हैं या फिर प्रमोशन करते हैं। ट्रांसफर सेम लेवल पे, प्रमोशन हायर लेवल पर। सेम लेवल पे जब ट्रांसफर होगा तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेंगी, लेकिन एज पर डिपार्टमेंट कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन प्रमोशन में हर हालत में हायर अथॉरिटी, हायर सब कुछ हायर होगा इस कंपेरेटिवली। पे ट्रांसफर में जरूरी नहीं है कि बढ़े, मे भी बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि बढ़े, लेकिन वहां पर जरूरी है क्योंकि प्रमोशन हुआ है तो उसकी सैलरी तो बढ़नी पड़नी है। लास्ट पॉइंट हमारे भाई के कहने के अकॉर्डिंगली क्या, स्टेटस प्रमोशन में बढ़ेगा और यहां पर उसका स्टेटस वही सेम रहेगा। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिक्रूटमेंट। मुझे एक बात बताओ, इस इंटरनल रिक्रूटमेंट का पहला फायदा नंबर वन, हमारे ऑलरेडी टेस्टेड एम्प्लॉइज है जिनको हम जानते हैं, हमें जिनकी लॉयल्टी पे पूरा भरोसा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं प्रमोशन देता हूं किसी को तो क्या उसकी लॉयल्टी और बढ़ेगी? हाँ, एकदम बढ़ेगी, क्योंकि अगर उसको प्रमोशन नहीं मिला टाइम पर तो कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, तो क्या देखेगा नहीं ये कंपनी अच्छी है, मुझे प्रमोशन भी दे रही है, मुझे कंपनी छोड़ने की जरूरत? यानी प्रमोशन क्या दिलवाता है कंपनी को? लॉयल्टी। प्रमोशन क्या दिलवाता है? लॉयल्टी। तो मैंने क्या बोला, प्रमोशन से क्या आती है? लॉयल्टी बढ़ती है, जबकि ट्रांसफर से ऐसा कुछ नहीं है कि लॉयल्टी बढ़े, है ना? यहां पर तो जाने का, भागने के चांसेस और है। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल खत्म हो गया, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो, वो बेचारा परेशान की ना मुझे सेल्स करनी आई, ना मुझे प्रोडक्शन करनी आ रही, मैं तो जा रहा हूं फिर और नई कंपनी ढूंढूंगा मैं। पहली बात, इंटरनल रिक्रूटमेंट सिर्फ वही पॉसिबल है जहां कंपनी पुरानी हो, जहां रिक्वायरमेंट कुछ लोगों की हो, और वो भी कब पॉसिबल है? हाँ भाई, वो कब पॉसिबल है? जब कहीं पर अंडर स्टाफ या फिर ओवर स्टाफ हो। यानी कि हम कह रहे हैं ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब
अंडर स्टाफ या फिर ओवर स्टाफ है। अगर अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग है तब तो ट्रांसफर प्रमोशन हो सकते हैं, अदरवाइज। हाँ भाई, क्या जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं? ध्यान देना, केस बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में सब बराबर था, कहीं भी ओवर स्टाफ नहीं था, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो लोगों की कमी थी। क्या था? अंडरस्टाफ, अंडरस्टाफिंग थी, दो लोगों की कमी थी। कंपनी ने क्या डिसाइड किया? एक पोस्ट को तो प्रमोशन देके जाते हैं, क्या करके? प्रमोशन। और दूसरी पोस्ट के लिए क्या करते हैं? ध्यान देना, प्रमोशन लेके आओगे तो नीचे एक वैकेंसी खाली हुई, ऐसे ही एक कहीं से ट्रांसफर जाते हैं। क्या ले आते हैं? ट्रांसफर, तो वहां पर खाली हुई। तो अभी भी दो वैकेंसी तो खाली है, क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या था कंपनी में? अंडर स्टाफिंग थी, ओवर स्टाफिंग नहीं थी। अगर ओवर स्टाफिंग नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से बाहर से तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब आपको यह देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आपको बंदा चाहिए वो लॉयल्टी वाला बंदा चाहिए या नया बंदा चलेगा। तो आप किसी को प्रमोशन देकर भी वहां बैठा सकते हो या किसी को ट्रांसफर से भी ला सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर हमारे पास क्या ओवर स्टाफिंग नहीं है, सिर्फ अंडर स्टाफिंग है, तो आप चाहे इंटरनल रिक्रूटमेंट यूज कर लो, तब भी आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। अबे हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर आप अपनी पोजीशन को फिल करने के लिए किसी जहां पर अंडर स्टाफ नहीं है वहां से कोई बंदा लेकर आते हो, प्रमोशन करते हो या ट्रांसफर लेकर आते हो, तो कहीं ना कहीं एक सीट वैकेंट जरूर होगी। उस वैकेंट सीट को भरने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स लाना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है साहब जी? तो क्या था ये हमारा? इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्लियर है? एक्सटर्नल पे बात नहीं करेंगे, एक लेंथी प्रोसेस है एक्सटर्नल, ठीक है? तो इसको बेटा बना लो, ड्रॉ कर लो से।